अगर आपने रेड राइस या फसही चावल नहीं देखा हो, उसके पौधे नहीं देखा हो, तो आज हम उसके पौधे दिखाते हैं। धान के पौधे कैसे होते हैं ये देखिए दोस्तों, ये जो लगे हुए हैं ये पूरे रेड राइस के पौधे हैं, फसही चावल के पूरे आपको दूर दूर तक दिख जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरा दोस्तों, फसही का चावल जो है या रेड राइस, इसको उगाने के लिए पहली चीज़ तो पानी आपको चाहिए। देख सकते हैं ये पूरा पानी भरा हुआ है, तो जहाँ पानी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है वहाँ पे ही ये पौधे होते हैं धान के। दूसरी चीज़, इसको जब दोस्तों ये जब ये पकता है तो इसके धान इसकी जो बाली रहती हैं, धान की बालियाँ वो झड़ने लगती हैं। देख सकते हैं बहुत सारी बालियाँ जो हैं या झड़ चुकी हैं, ये देख सकते हैं कुछ पक पक करके गिरने लगते हैं। इसकी वजह से जैसे कुछ बालियाँ इसमें पकी हुई हैं, ये देख सकते हैं ये पकी हुई हैं, जो पकी हुई वो झड़ गई हैं। तो जैसे ये पकने लगती हैं, ये जो काली काली बालियाँ आपको दिख रही होंगी ये पक रही हैं, ये जब ये झड़ने लगती हैं, ये झड़ जाती हैं, इसकी वजह से किसान जो है इसको इसकी फसल जो है कम उगाते हैं। दोस्तों इसके चावल में एंथोसाइनिन नामक एंजाइम या पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण इसके चावल लाल रंग के होते हैं। और ये दूसरे जो सफ़ेद चावल होता है इसकी तुलना में इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह चावल जो है पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत पौष्टिक होता है। और इस चावल को जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो गाय बैल भैंस जो भी पशु होते हैं वो इस घास जरूर चरते हैं, पर ये चावल के पौधे देख सकते हैं आप इसको, ये भी यहाँ पे पूरा खुला है, घास वगैरह चरने के लिए जानवर आते हैं पर ये इसको जो है नहीं खाते हैं दोस्तों, और इस कारण से ये पूरी बची हुई है। और इसकी जो धान की बालियाँ हैं वो जैसे पकने लगती है तो ये धीरे धीरे झड़ने भी लगती है, बहुत सारी बालियाँ जो हैं झड़ भी चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं अभी जो पकी हुई हैं वो झड़ चुकी हैं। हमें रास्ते में मिला तो हमने सोचा कि आपको इसकी विशेषता और महत्ता बताई जाए। दोस्तों इंडिया में जब लोग व्रत रखते हैं उस टाइम पे ये चावल का उपयोग करते हैं, व्रत या जो फास्ट रखते हैं व्रत के टाइम पे इसका चावल जो है बना के खाते हैं। तो उसके अलावा क्योंकि ये चावल जो है बहुत ही महंगा और कॉस्टली होता है, आप देख सकते हैं ये किसी ने बोया नहीं है, ये नेचुरल तरीके से ये चावल के पौधे उगे हुए हैं, और जहाँ पानी की उपलब्धता रहती है यहाँ पे नेचुरल प्राकृतिक तरीके से ये खुद ही उग जाते हैं। और यहाँ और जब पक जाते हैं तो इनकी बालियाँ जो हैं इनके दाने जो हैं झड़ जाते हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों इसकी खेती होती है बहुतायत में, पर अपने यहाँ पे तो बहुत कम होती है, हमने तो देखा नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक नाला जा रहा था तो उसके किनारे किनारे बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं, दूर तक जहाँ तक ये नाला गया है सब अगाड़ उगे हुए हैं। तो यही वो फसही का चावल है, महंगा होने के कारण और मेहनत ज़्यादा होने के कारण और पैदावार कम होने के कारण लोग इसकी खेती करना पसंद नहीं करते हैं, पर ये दोस्तों आपको बता दिए फायदे का धंधा है। जिसके पास ये पानी की समस्या नहीं है कोई इस खेती को कर सकता है। आप देख सकते हैं ये पूरा रेड राइस है, फसली के पौधे हैं, जहाँ जहाँ पानी है वहीं वहीं पौधे उगे हुए हैं, देख सकते हैं। इसके चावल लाल कलर के होते हैं और दूसरे चावल सफ़ेद कलर के होते हैं। दोस्तों ये वही रेड राइस है, फसही चावल। दोस्तों ये पौधा जो है धान का पौधा है और ये बड़ी मुश्किल से होता है, इसकी बहुत कम खेती होती है, ये अपने आप उगते हैं दोस्तों अधिकतर, क्योंकि इनकी खेती जो है करने में और इनको बुवाई से लेकर इनको काटने बीजने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है,
मेन दिक्कत ये होती है इसमें कि जब ये पक जाते हैं, पकने लगते हैं, तो इसके इसमें जो ये आप ये बाली देख रहे हैं, ये पकते समय ये झड़ना चालू हो जाते हैं, तो लास्ट में ये सब झड़ जाते हैं। इसलिए लोग इनकी खेती करने से घबराते हैं। अधिकतर जो लोग व्रत रहते हैं, उन व्रत के समय यही चावल खाते हैं। ये 200 रुपए से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रेट होता है। इसलिए आप देख सकते हैं इसको किसी ने लगाया नहीं है। ये देख सकते हैं कि आप सोच सकते हैं किसी ने इसको लगाया, किसी ने नहीं लगाया। ये ऑटोमेटिक नेचुरल उगते हैं, ऐसे ही ये उगाते हैं बरसात के समय में, जहाँ पानी वगैरह रहता है, खाई वगैरह रहती है, गड्ढे वगैरह रहते हैं। यहाँ एक लाइन से बहुत सारे पौधे थे दोस्तों, वो आगे भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ भी उगे हुए हैं। पर आपको बता दें कि मेहनत बहुत लगती है, और इसकी कटाई में जो इसकी मिजाई होती है, इसमें से धान गेहूँ जो चावल निकालते हैं, वहाँ तक की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए लोग इसकी खेती करने से कतराते हैं। इधर भी चल करके दिखा देते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, उसी चावल का फेवरेट राइस है, उसी का पेड़ है। ये देख सकते हैं यहाँ कोई बोने तो आएगा नहीं दोस्तों। ये नेचुरली तरीके से इसके दाने जब पक जाते हैं तो ऑटोमेटिक झड़ जाते हैं और मिट्टी में दबे रहते हैं, और जब बरसात आती है तो फिर सूख जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पास से देख लीजिए, ये रेड राइस, इसमें जो चावल होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों, इसके चावल का रंग लाल होने का कारण इसमें एंथोसाइनिन नामक पदार्थ होता है, जिसके कारण इसका चावल लाल कलर का होता है। और ये बहुत ही कॉस्टली राइस है, बहुत ही महंगा चावल है। अभी ये एक आध महीने के अंदर ये पक जाएगा, और जब इसको काटते हैं तो ये झड़ने लगता है। इसके कारण अधिकतर जो इसमें ये जो धान देख रहे हैं, धान के ये सीड्स, ये झड़ जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये पूरे चावल के लगे हुए हैं, फसही चावल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी रेड राइस, फसही का चावल, यहाँ भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। ये किसी ने लगाया नहीं है, ये ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से उगे हुए हैं।